Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for your love and support. So guys, this is day one of the Blade 12-week shredding program. और आज हम लगाएंगे legs. और legs में हम लगाने वाले हैं बहुत ही intensive workout, heavy sets, giant sets, tri sets, you name it and it's there. तो आज ऐसी हालत होने वाली है जैसे ट्रक ने टक्कर मारी होगी आपको वर्कआउट के बाद, ठीक है. एंड जिम के अंदर जाने के बाद जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आशीर्वाद नहीं लेना डंबल से. वी गोना स्मैश दोज डंबल्स, वी गोना मैन हैंडलस दोज डंबल्स, राइट. और एंड फॉर गर्ल्स, या वी गोना फोकस इन ऑन योर ग्लूट्स एंड लेग्स फॉर टोनिंग एंड शेपिंग एंड ऑल द गुड स्टफ. सो लेट्स गो गाइस, लेट्स स्मैश इट. So we started off with the warm-up, 5 minutes cardio, आपकी जो heart rate है उसको up करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का cardio form आप choose कर सकते हैं. उसके बाद हम stretches start करेंगे, warm-up 10 minutes, जिसमें हम different type के stretches करेंगे, आपके hamstring, आपके quads, आपकी lower back, everything. तो जिस तरह से हम यहाँ पे perform कर रहे हैं hamstring stretch, उसके बाद दोनों legs के लिए हम perform करेंगे. 10 सेकेंड का हम इसमें पॉज देंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे, देन चेंज. उसके बाद हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं हिप स्ट्रेच. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ग्लूट्स को स्ट्रेच करने के लिए, फैशिया को स्ट्रेच करने के लिए. आफ्टर दैट लेग रेज, ग्लूट्स को टारगेट करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, वार्म अप करेंगे ग्लूट्स, 20 reps each leg. Now fire hydrant, 20 reps each leg. जो adductors हैं आपके इसको warm up करेंगे, glutes का पूरा हिस्सा warm up होगा इससे. Now cat stretch, इसको हम 5 repetitions perform करेंगे, पूरी तरीके से अपने lower back को stretch करेंगे, upper back को stretch करेंगे और neck को stretch करेंगे. Now we performing the quad stretch. इस position को आप 10 second के लिए hold करेंगे. After that foam roll परफॉर्म करेंगे हम 5 minutes के लिए, अपना IT band, आपके फ्रंट quads, आपके hamstrings, glutes पूरी तरीके से आप रोल करेंगे और fascia को स्ट्रेच करेंगे ताकि जो हैवी वर्कआउट आने वाला है उसके लिए आप तैयार रहें. Now we stretching just the hamstring and glutes, just the final stretch. अब हम बॉडी वेट स्क्वाट्स परफॉर्म करेंगे 20 रेप्स, जस्ट टू वार्म द जॉइंट्स, सिनोवियल फ्लूइड आपका वार्म अप हो जाए अच्छे से, आपके जॉइंट्स फ्रिक्शन लेस हो जाएं ताकि आपको हैवी स्क्वाट्स करने में कोई प्रॉब्लम ना हो. नाउ वी जस्ट स्ट्रेचिंग ऑफ द क्वाड्स, आउटर क्वाड्स, इनर क्वाड्स, मीडियल हेड. सो द फर्स्ट एक्सरसाइज इज बारबेल स्क्वाट्स और इसके हम 4 हैवी सेट्स लगाएंगे, 6 to 8 रेपिटेशंस. और जिस तरह से आप देख सकते हैं हम यहाँ पे वार्म अप कर रहे हैं अभी सिर्फ बारबेल से, और इसके बाद धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली मैं वेट बढ़ा रहा हूँ, वार्म अप सेट्स ले रहा हूँ, एटलीस्ट 2 to 3 वार्म अप सेट्स बिफोर द मेन वर्किंग सेट्स. तो मेन वर्किंग सेट हमारा अभी शुरू हो रहा है. तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेन जो आपका वर्किंग सेट होगा उसमें आपको स्पॉटर आपके पीछे होना चाहिए, आपका पार्टनर, सो दैट आपके एटलीस्ट 6 से 8 रेपिटेशंस पूरी तरीके से कंप्लीट हों. और रेस्ट पीरियड हमारा सेट्स के बीच में 2 मिनट का रहेगा. नाउ सेम गोज विद द फीमेल्स, आपके भी 4 वर्किंग सेट्स होंगे एंड 6 to 8 रेपिटेशंस, 2 मिनट्स का रेस्ट इन बिटवीन द सेट्स. और जिस तरह से आप देख सकते हैं लिलियन पैरेलल पोजीशन से नीचे नहीं जा रही हैं, यानी कि ग्लूट्स एक्टिवेट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे, एस्ट ग्रेस एक्सरसाइज नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वाड्स को और हैमस्ट्रिंग को टारगेट कर रहे हैं. और कोशिश करिए कि जब आप हैवी सेट्स लगा रहे हैं तो आपका नी बाहर की ओर फ्लेयर हो ना कि अंदर की ओर. तो ये मेरा लास्ट वर्किंग सेट है. और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह का मैंने बार की प्लेसिंग है मेरे हाई बार प्लेसिंग,
इसका फ़ायदा ये है कि मैं अपने अपर बैक को बहुत कम बैंड कर रहा हूँ और जो टारगेट कर रहा हूँ मैक्सिमम वो अपने हैमस्ट्रिंग और क्वाड एरिया को टारगेट किया जा रहा है। ये टिपिकल बॉडी बिल्डिंग स्टाइल स्क्वाट्स है जिसमें आप अपने नीज को लॉक नहीं करते जब आप ऊपर आते हैं, और दूसरी बात आप एस टू ग्रैस नहीं जाते हैं और पल्स रेप्स लगाते हैं जो आपका टारगेट करता है मैक्सिमम आपका क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और थोड़ा बहुत ग्लूट्स। सेम गोज विद दी गर्ल्स, आपका फोर्थ वर्किंग सेट आप इस तरह से लगाएंगे, प्रॉपर आपको नीज लॉक नहीं करने हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करके रखना है अपने हैमस्ट्रिंग और अपने क्वाड्स में। दूसरी एक्सरसाइज है हमारी हैक स्क्वाट्स, और इसके हम तीन सेट्स लेंगे, 15 रेपिटेशंस फर्स्ट सेट, सेकंड सेट 12 रेपिटेशंस एंड थर्ड सेट 10 रेपिटेशंस। एंड फॉर फीमेल्स एग्जैक्टली आपको अपने हैमस्ट्रिंग और अपने क्वाड्स को टारगेट करना है, टेम्पो इसी तरह का आपको मेंटेन करके रखना है सो दैट यू कैन टारगेट योर क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग मोर। नीज को आपको लॉक नहीं करना है और पूरी तरीके से स्ट्रेच करना है हैमस्ट्रिंग को व्हेन यू गोइंग डाउन। रेस्ट पीरियड आपका उतना ही रहेगा जब तक आपका पार्टनर फिनिश करे सेट, एंड देन यू विल स्ट्रेट जंप इनटू द एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज हमारी ट्राई सेट है, यानी कि तीन एक्सरसाइजेस करेंगे हम इसमें बैक टू बैक। पहली एक्सरसाइज है हमारी हिप रेज, सेकंड एक्सरसाइज इज कैटलबेल डेडलिफ्ट्स, एंड द फिनिशर एक्सरसाइज इज एबडक्टर मशीन। और इस पूरे ट्राई सेट के हम तीन सेट्स लगाएंगे फॉर 15 रेपिटेशंस। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि जो हमारे 15 रेपिटेशंस हैं उसमें पहले के 10 रेपिटेशंस आपके जो आप स्क्वीज जो कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसको होल्ड करेंगे फॉर 1 सेकेंड, और जो लास्ट के 5 रेपिटेशंस हैं वो आप पल्स रेपिटेशंस लगाएंगे यानी कि फास्टर पेस में। जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं अपने ग्लूट्स को स्क्वीज कर रहा हूँ और 1 सेकंड के लिए होल्ड कर रहा हूँ वहाँ पे फॉर 10 रेपिटेशंस, और 10 रेपिटेशंस के बाद जो आखिरी के 5 रेपिटेशंस हैं वो पल्स रेपिटेशंस। इस एक्सरसाइज के लिए अगर आपके पास ये मशीन अवेलेबल नहीं है तो इसका ऑल्टरनेटिव आप लगा सकते हैं, फायर हाइड्रेंट एक्सरसाइज जो हमने वार्म अप में आपको दिखाई थी, उसके आप 20 रेपिटेशंस ईच लेग लगा सकते हैं। फॉर फीमेल्स आप स्मिथ मशीन में भी इस एक्सरसाइज को लगा सकते हैं हिप ब्रिज को, और अगर आपके पास स्मिथ मशीन नहीं है तो ऑलवेज फ्री बार में भी लगा सकते हैं आप, जिस तरह से लिलियन परफॉर्म कर रही है यहाँ पे। जस्ट मेक श्योर द फर्स्ट 10 रेपिटेशंस आप उस
स्क्वीज को होल्ड करेंगे फॉर वन सेकेंड एंड लास्ट फाइव रैप्स आप पल्स रैप्स लगाएंगे एग्जैक्टली लिलियन की तरह. फॉर kettlebell deadlifts आपको ये ध्यान रखना है कि यू वर्किंग ऑन योर glutes एंड hamstring, जो सेपरेशन आपके glutes और hamstring में आता है उस पर काम कर रहे हैं आप, राइट. तो जो फर्स्ट 10 repetitions से आपको squeeze को होल्ड करना है फॉर वन सेकेंड एग्जैक्टली द वे लिलियन इज डूइंग हियर एंड जो लास्ट के फाइव repetitions हैं आप pulse reps करेंगे. फॉर दी थर्ड एक्सरसाइज इस तरह से आप देख सकते हैं हाउ लिलियन इज टारगेटिंग दी आउटर एडक्टर्स, आपके ग्लूट्स का जो हिस्सा होता है वो टारगेट कर रही हैं और बहुत ही मसल एंड माइंड कनेक्शन को मेंटेन करते हुए एक्सरसाइज लगा रही हैं. Now the fourth exercise is hamstring curls and we supersetting it with stiff leg deadlifts. Iske hum 3 sets lagayenge. Pehla set 15 repetitions, dusra set 12 repetitions and teesra set 10 repetitions. स्टिफ लेग डेडलिफ्ट में आप जिस तरह से देख सकते हैं आपको ऐसा वेट चूज़ करना है पहले सेट के लिए जिसमें आपके 15 रेपिटेशन्स आए और पूरी तरीके से आप टारगेट करेंगे अपने ग्लूट्स, अपने हैमस्ट्रिंग को और स्ट्रेच करेंगे, जो फैशिया है उसको स्ट्रेच करेंगे, मसल को स्ट्रेच करेंगे, ब्लड पम्प करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा. सेम गोज विद द फीमेल्स, एग्जैक्टली आप ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, स्क्वीज करेंगे अपने हैमस्ट्रिंग को और जो आपके नेगेटिव्स हैं, जो आपका स्ट्रेच है उसको स्लो करेंगे एंड फास्टर इन द कॉन्ट्रैक्शन. 15 रेपिटेशन फॉर द फर्स्ट सेट. लेग कर्ल्स फिनिश करते ही आप स्ट्रेट जंप करेंगे स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स में और इसके भी फर्स्ट सेट आपका 15 रेपिटेशंस होगा, एग्जैक्टली फील करते हुए, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हुए और ग्लूट्स को स्क्वीज करते हुए. सो गाइस, फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज इज सीटेड प्लेट रेज, जिसको हम सुपर सेट कर रहे हैं स्टैंडिंग काफ रेज से और इसके हम 3 सेट्स लगाएंगे फॉर 15 रेपिटेशंस एग्जैक्टली सेम मैनर. 10 रेपिटेशंस आपके होल्ड करेंगे, आप पॉज करेंगे आपके कॉन्ट्रैक्शन को एंड देन 5 रैप्स आप पल्स रैप्स लगाएंगे. ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है गाइज. अगर आपके जिम में सीटेड काफ रेज मशीन नहीं है तो आप इस तरह से लगा सकते हैं सिर्फ प्लेट्स का इस्तेमाल करते हुए और ये एक ऐसी एक्सरसाइज जो आपके टारगेट करती है सोलियस मसल को. और उसके बाद हम जंप करेंगे स्ट्रेट स्टैंडिंग काफ रेजेस में, जिसमें आप देख सकते हैं पूरी तरीके से आपको स्ट्रेच करना है अपने काफ्स को और पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है एंड पॉज करना है, आपको होल्ड करना है अपने कॉन्ट्रैक्शन को और स्ट्रेच को फॉर 10 रैप्स एंड देन 5 रेपिटेशंस आप पल्स रेपिटेशंस लगाएंगे लास्ट के. Alright ladies, same goes with the females. आपको exactly 10 repetitions hold करने हैं, pause करना है आपको अपने contraction में and last के 5 repetitions आपको faster pace में लगाने हैं, pulse reps लगाने हैं और target करना है अपने soleus muscle को, अपने soleus calf muscle को. और जो दूसरी exercise है आप लगा रहे हैं standing calf raises, इसमें आप पूरी तरीके से stretch करेंगे अपने gastroc और soleus दोनों muscle को target करेंगे. First 10 repetitions आप hold करेंगे and then 5 repetitions pulse.
Alright guys, ये तो थी हमारी leg workout. I hope कि आप लोगों को ये काफी benefit करेगी. I'll see you in the next video.